और कैसे मना रहे हैं श्रद्धालु छठ, इस पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहिजुद्दीन जुड़ गए हैं। जी मोहिजुद्दीन, देश आस्था का महापर्व छठ मना रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे श्रद्धालु जो है इस त्योहार को मना रहे हैं? सभा देखिए, सबसे बात करेंगे छठ महापर्व जो कि लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, और इस पर्व से संबंधित सबसे पहले अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो है छठ घाटों की, यानी जल स्रोतों की। ऐसे में राजधानी के जितने भी जल स्रोत है उनकी साफ सफाई कर दी गई है, तमाम व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए पहले से कर दी गई है। जो समितियां हैं वो समितियां भी करीब दो दिनों से चार दिनों से यहां लग करके तमाम व्यवस्था को दुरुस्त किया है, चाहे वो सफाई साफ सफाई की बात हो, गहराई को लेकर के जो बैरिकेडिंग होती है उसका जो निर्धारण किया जाता है दूरी, वो तमाम चीजें तय कर दी गई है, और व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद भी लगा दिए गए हैं। जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन की टीम भी तमाम जलाशयों में, तमाम छठ घाटों में मौजूद रहते हैं, यहाँ तक के पुरुष के साथ साथ महिला जवान भी तैनात रहते हैं। हमारे पीछे की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं, सभा अपने सहयोगी कृष्णा को कहेंगे कि वो छठ घाट की तस्वीर दिखाए। ये छठ घाट तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है छठ व्रतियों के लिए, लेकिन अभी भी पेंटिंग डेंटिंग का जो काम है वो चल रहा है, यानी पोचाड़ा किए जा रहे हैं, ताकि छठ व्रती जो यहाँ पर आएंगे अपने पूजा सामग्री जो है वो यहीं पर रखेंगे, और सबके लिए अलग अलग जगह यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। खास करके ये अलग जगह समिति के लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है कि कौन कहाँ पर यहाँ पर अपने पूजन सामग्री को रखेंगे और कहाँ पर से इस पूजा की विधि को, आस्था के जो श्रद्धा का जो पूजा है वो संपन्न करेंगे। तो हर किसी के लिए अलग अलग जगह यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, और सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ जो छठ व्रती होते हैं वो आते हैं यहाँ पर और यहाँ से पूजा को संपन्न करते हैं। तो कहा जाता है कि सूर्य उपासना का ये त्यौहार अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, और झारखंड बिहार बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में छठ महापर्व का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूरे पवित्रता के साथ पूरे शुद्धता के साथ इस चार दिनों का जो त्यौहार है इसे लोग मनाते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि छठ व्रतियों में एक खास चीज ये भी देखी जाती है सभा कि ये उपवास करते हैं। उपवास भी होता है इनका, निर्जला उपवास होता है जो कि तीन दिनों के आसपास करीब 36 घंटे का ये उपवास होता है, और इसमें किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करती है, साथ साथ इसमें पानी भी आपको पीना मना होता है। फिलहाल जो छठ व्रती है उन्होंने जो तैयारियां की है, उन तैयारियों के बीच पहला दिन नहाए खाए से शुरू हुआ है ये त्यौहार, और आज खरना का मौका है। ऐसे में खरना के मौके पर कहा जाता है सभा कि खीर और रोटी का जो चलन होता है, यानी प्रसाद के तौर पर जो बनता है, इसका भोग भी चढ़ता है छठी मैया को, और इसकी तैयारियां भी छठ व्रती किए हुए हैं। अब जो है समय करीब 1:30 से 2 बजने जा रहा है, अब जो छठ व्रती है अपने सूप दौरा को भी सजाएंगे, यानी कि जो आज खरना होता है इस खरने के लिए भी आज से ही जुट जाएंगी वो, ताकि कल अर्घ दे उदयमान क्षमा कीजिएगा अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए आज से ही ये लोग अपने सूप और दौरे में जो पूजन सामग्री होता है, यानी कि जो साज सजावट होती है, पूजा की जो थाली होती है, उसे वो ये लोग सजाएंगे। लेकिन आज का जो खरना होता है, खीर और जो रोटी का जो भोग चढ़ता है, जो प्रसाद बनता है, इसको खाने के बाद तस्वीरें साफ तौर पर हम पीछे की फिर से दिखाएंगे कि तालाब की अगर बात करें तो रांची के बहुबाजार रोड स्थित ये बनस तालाब कहलाता है सभा, और बनस तालाब में भी रांची के अलग अलग हिस्सों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो छठ व्रती है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं। तो खास तौर पर ये तालाब भी बेहद ही खास माना जाता है, विभिन्न तालाबों में से ये तालाब भी बेहद खास माना जाता है। कृष्णा थोड़ा आगे आइए, क्या कुछ तैयारी लगभग यहाँ देखने को मिल रही है? हम लोग सब लगे हुए हैं, बढ़िया से हो रहा है, और आपके सामने ही है, देखिए सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं नायक छठ पूजा संघ समिति के द्वारा। कौन सी समिति है? नायक संघ छठ पूजा समिति है। समिति के तरफ से छठ व्रतियों के लिए और क्या क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं दी गई? सब पूरा सब टोटल चीज यहाँ व्यवस्था है, कुछ का कमी नहीं है, हर चीज अच्छा। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुटती है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करेंगे तो प्रशासन की ओर से भी महिला जवानों को तैनात किया जाता है? जी किया जाता है। चलिए, तो ये बहुबाजार रोड स्थित बनस तालाब है सभा, और यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है रांची का चुटिया थाना। ऐसे में चुटिया थाना भी पूरी सक्रियता के साथ यहाँ तैनात रहती है, मौजूद रहती है जवानों के साथ, यहाँ पर लोगों को लगाया जाता है। आप कौन हुए सर यहाँ? संरक्षक हुए। संरक्षक हुए, क्या कुछ तैयारी है थोड़ा सा यहाँ की बता दें? हम लोग लाइट की साउंड की व्यवस्था है, साथ साथ में पहला ऐसा तालाब है इसमें हम लोग खुद अपना गोताखोर रखते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट यहाँ पर ना हो,
साथ ही साथ हम लोग एक यहाँ पर डेडिकेटिंग करते हैं रिबन का गहराई के लिए कि ताकि जो छठवर्ती होंगे उससे आगे आगे ना जाए, क्योंकि काफी पानी है इस बार। और सफाई के लिए हम लोग यहाँ ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जितना यहाँ आप देख रहे हैं पूरा सर सफाई जो कर रहे हैं, हम लोग का कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग करते हैं, निगम की तरफ से भी सहयोग मिलता है और हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर तत्पर रहते हैं उस दिन, किसी प्रकार की असुविधा छठवर्तियों को नहीं हो। आपने बताया नायक समिति है, तो नायक समिति की ओर से कितने वॉलंटियर्स को रखा गया है, कितने लोग यहाँ तैनात रहेंगे? हम लोग कम से कम यहाँ पर हम लोग 100 से ऊपर कार्यकर्ता रहेंगे, एक्टिव रूप से काम करेंगे, माने आपका ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के आपका गोताखोर से लेकर के वॉलंटियर्स जो होंगे रख रखाव का भी देखेंगे। भीड़ की अगर बात करेंगे तो भीड़ कितने बजे से होना शुरू हो जाता है? ये करीब 3 बजे से यहाँ पर लोग का आना शुरू हो जाता है और ये लगभग आपको 4 बजे तक लोग आते रहते हैं, 4-4:30 तक। उसका भी यहाँ पूजा होती है, उसका लोग पूजा वूजा करके वापस आते हैं गंतव्य की ओर। लाइट की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि पूजा जब होगा, जब यहाँ पर अर्घ देने पहुंचेंगी छठ व्रती, उस समय शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। काफी लाइट की व्यवस्था है, हमने हाइलोजन लगाया है, देखिएगा कि पूरा लाइट हाइलोजन भी लगा हुआ है, साथ निगम का भी लाइट्स है और चारों तरफ लाइट की भरपूर व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर रोशनी के लिए लेकर के नहीं हो। चलिए, तो ये बनस तालाब है, बनस तालाब में तमाम इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं समिति जो है, नायक समिति है, वो भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से यहाँ पर आकर के लोगों को यहाँ पर सुविधाएं दी जाए। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, अपने आप में कहा जा सकता है कि लोक आस्था का ये महापर्व बेहद ही खास मनाया जाता है और पूरे देश में कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? देखिए, बनस तालाब तो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, कुटिया का ऐतिहासिक तालाब, धर्म से जुड़ी हुई तालाब है ये, और इसी ये बनस तालाब इसका नामकरण हुआ, इसके बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा। अभी तैयारी क्या कुछ यहाँ पर? तैयारी अभी चल रही है, लगभग मैंने तैयारी कम्प्लीट है। चलिए, तो तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है और कहीं ना कहीं बनस तालाब में जो समिति के लोग हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, जो समिति के संरक्षक हैं, तमाम लोगों का यही मानना है कि रांची के आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ छठ व्रतियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और इस भीड़ को कहीं ना कहीं सुविधाएं देने के लिए समिति की ओर से वॉलंटियर्स दिए जाते हैं। चुटिया थाना भी बगल में है, वहां से भी जवानों की तैनाती होती है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आता है सभा, ताकि इस जो प्राकृतिक पर्व है, या कह सकते हैं लोक आस्था का जो महापर्व है, इसको सकुशल संपन्न कराया जा सके सभा। जी बिल्कुल मोहिउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तैयारियों से हमें अवगत कराने के लिए। तो देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ चल रहा है और इसको लेकर की जो सबसे विशेष होती है घाटों की साफ सफाई पूरी कर ली गई है, अब उसको सजाया जाएगा और यही वो स्थान है जहां पर छठ व्रती आकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी। तो ये लोक आस्था का महापर्व चल रहा है, पूरा वातावरण आस्था और छठ को लेकर के पवित्र